अस्सलाम वालेकुम नाजमास, तड़का में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मोज़रेला चीज़ पिज़्ज़ा आपके लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नीम गुनगुना पानी। नीम गुनगुना पानी ले लेना है थोड़ा। इसमें मैं डाल दूंगी 3 चम्मच शक्कर और 4 चम्मच ईस्ट, ड्राई ईस्ट, और इसको अच्छे से मिक्स करके फूलने के लिए छोड़ दूंगी। 5 से 10 मिनट के लिए इसे फूलने देते हैं, उसके बाद में हम अपना आटा रेडी करते हैं। ये जब तक कि हमारा ईस्ट राइज होता है, फूलता है, जब तक कि हम सॉस बना लेते हैं, पिज़्ज़ा सॉस बनाते हैं, उसके लिए मैं टमाटर ली हूँ। टमाटर को सब टुकड़ों में काट ली हूँ और कांदा, 2 कांदा ली हूँ मैं, 4 टमाटर, 2 कांदा और थोड़े से लहसुन और अदरक। अब मैं इसको पानी डाल के इसको थोड़ा देर के लिए बॉईल होने दूंगी। हमारा कांदा और टमाटर सॉफ्ट हो जाता है, फिर उसके बाद में हम इसका पेस्ट बनाएंगे। आइए देखिए, मेरा टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो चुका है। चलिए इसे निकाल लेते हैं हम, और निकालने के बाद इसे ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद हम मिक्सी जार में इसको डाल के इसकी फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसे फाइन पेस्ट बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पेस्ट रेडी हो चुका है, मैंने इस तरह से पीस लिया है। और जो मैंने टमाटर और कांदा ये सब बॉईल करने के लिए, नर सॉफ्ट करने के लिए पानी जो बचा था मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब आइए, मैंने एक चढ़ा दिया इधर पैन, पैन गरम होता है, फिर मैं इसमें थोड़ा डालती हूँ ऑयल। पैन हो गया गरम, मैं डालती हूँ इसमें थोड़ा सा ऑयल, बस ज़्यादा नहीं लेना है। इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन। थोड़ा सा ब्राउन होता है लहसुन जैसे, लहसुन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूंगी ये हमारा पेस्ट। अब इसमें मैं ऐड करूंगी लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। और इसमें डालूंगी कुछ थोड़े से चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो फ्लेवर के लिए थोड़ा सा ओरिगैनो, और को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम, अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 चम्मच टमाटर केचप। टमाटो केचप डाल के हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है और अपने ये सॉस को अच्छे से पकाना है। थोड़ा सा हमारा ये सॉस गाढ़ा हो जाए
और इसका कच्चापन चला जाए, इस तरीके से पकाना है। मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं। और अच्छे से मिक्स करके पका लेना है हमें। इसमें मैं ना थोड़ा सा फ्लेवर के लिए डालूँगी विनेगर। मैंने लिया है आधा ढक्कन विनेगर, थोड़ा सा ऐड करना है बस। चलिए अब रेडी हो जाता है, फिर मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारा पिज्ज़ा सॉस रेडी हो चुका है। बस इतना ही गाढ़ा रखना है हमको ऐसे बस। चलिए अब इसके बाद चिकन रेडी करते हैं। चलिए पैन गरम हो चुका है, इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल। पैन गरम हो चुका, तेल डाल दी मैंने, तेल गरम हो चुका है। और अब ये डालूँगी मैं चिकन। मैंने चिकन को ऐसे टुकड़ों में ही, जैसे सब्जी जिस टुकड़ों में मैंने काट लिया है उसी टुकड़ों में चिकन को भी मैंने काट लिया है। तो मैं ऐड करूँगी चिकन। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें ऐड करूँगी मैं स्वाद अनुसार नमक। और इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। इसको सब को अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए चिकन को सॉफ्ट होने देती हूँ। चलिए जब तक कि ये सॉफ्ट होता है चिकन, जब तक के आटा गूंद लेते हैं। ये आटा, ये मैंने आटा ले लिया है, 1 किलो आटा लिया है मैंने। मैं अपने घर के हिसाब से ली हूँ इसलिए मैंने 1 किलो आटा लिया है। आप जितना आपको बनाना होगा आप उस हिसाब से ले जाइए। ये देखिए हमारा ईस्ट राइस हो चुका है, फूल चुका है अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें ये ईस्ट ऐड कर दूँगी और इसमें डालूँगी थोड़ा नमक। और थोड़ा सा ऑयल। और सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और हमें थोड़ा सा लगेगा तो मैं इसमें नीम गुनगुना पानी डालूँगी, ठंडा पानी नहीं। मैं इसमें अभी ऐड करूंगी गुनगुना पानी। ये इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। उसके बाद में अब मैं इस स्टेज पे, ज़्यादा हमको कड़क नहीं बनाना है, और इस स्टेज पे अब मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी ऑयल। ऑयल डाल के मैं अच्छे से
गूंद लेना है, एकदम सॉफ्ट आटा बना लेना है। ये देखिए मेरा आटा रेडी हो चुका है। इससे मैं थोड़ा टाइम के लिए अच्छे से इसे भून लिया है, देख सकते हैं मेरा एकदम आटा, ये देखिए एकदम चिकना हो चुका है। अब इसे ऐसा करके इस तरह से हमें अच्छे से कवर करके रख देना है। मैंने लिया है इधर किचन टॉवल, अच्छे से इसे ऐसे इस तरीके से कवर करके ढक के रूम टेम्परेचर पे अच्छे से कहीं गर्म जगह पे इसे आधा घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देना है। हम आगे का प्रोसीजर रेडी करते हैं। ये देखिए मैंने गैस बंद कर दिया है, मेरा चिकन हो गया है रेडी। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। चलिए खोलते हैं। ये देखिए हमारा आटा फूल के डबल हो चुका है। अब इसको वापस से हम मुट्ठी मार लेते हैं, ऐसा इसकी हवा जो है सब निकाल के कमती कर देते हैं। चलिए अभी इसको हम ज़्यादा नहीं वो करेंगे। चलिए अब हम बेलते हैं। ये देखिए मैंने ऐसा पेड़ा, इतना बड़ा पेड़ा लिया है और थोड़ा सा इस पे पटले पे डालूंगी आटा और से हल्के हाथ से मैं बेल लेना है। का बेस हमें मोटा ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं रखना है, नहीं जब हम इसकी टॉपिंग करेंगे तो ज़्यादा उसकी लोड की वजह से ना पतला रहेगा तो लोड उसका नहीं उठाएगा। थोड़ा हम इसका बेस थोड़ा मोटा ही रखेंगे। मैं इसके मेरे बेकिंग ट्रे में थोड़ा बड़ा ही रहेगा इसलिए मैंने पेड़ा ज़्यादा ही लिया, मैंने बड़ा ही पिज्ज़ा बना लिया। ये मैं इसमें ट्रांसफ़र करती हूँ। इसमें मैं ये बेकिंग ट्रे में थोड़ा सा आटा डस्ट करूँगी ऐसा और ये अपना बेस डाल दूँगी। अब इसको हाथ की मदद से इस तरह से फैला लूँगी। ये देखिए मैंने अपना बेकिंग ट्रे लिया, उस पर इस तरह हाथ की मदद से ऐसा फैला लिया मैंने पूरी अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं मेरा पटला इतना बड़ा नहीं था तो उस पर ज़्यादा बड़ा ना हो सका, तो मैं इसलिए अपने बेकिंग ट्रे पे हाथ की मदद से इस तरह से ऐसा फैला ली। और साइड के एजिस को हमें एकदम नहीं दबाना है, जब बेक होएगा ना तो हमारा साइड का एजिस ऐसा किनारे का फूला हुआ रहेगा तो अच्छा दिखेगा हमारा पिज्ज़ा इस तरीके से। ये देखिए ये देखिए। अब चलिए इसकी टॉपिंग करते हैं। ये मैंने डाला पिज्ज़ा सॉस। अच्छे मुझसे एक चीज़ मैंने भूल गई थी आपको बताना, मैं भूल गई थी कि ये कांटे की मदद से फोक से कांटे वाले चम्मच से आप ऐसा पूरे अपने पिज्ज़ा के बेस में ऐसा ऐसा होल कर दीजिए, नहीं तो हमारा बेकिंग के लिए जाएगा पिज्ज़ा तो पूरा फूल के रोटी के ऐसा फूल जाएगा। और ये करने से क्या है कि हमारा पिज्ज़ा का बेस फूगेगा नहीं, मैं पहले बताना भूल गई थी। साइड के किनारे के एजिस को नहीं करना है, उसे हमें फुलाना है। और
तरह से सब जगह पे हमें कर देना है। आइए हम ये इस तरह से पूरा सॉस हमें बिछा लेना है। अब मैं इसमें डालूंगी हमारा मोज़रेला चीज़ हम अच्छे से डालेंगे, थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे। मोज़रेला चीज़ जब ज़्यादा रहता है तो ही मज़ा आता है खाने में। सॉस के बेस के ऊपर डायरेक्ट हमको मोज़रेला चीज़ डाल देना है। इस तरह से अब मैं इस पर डालूंगी चिकन की टॉपिंग। इस तरह से चिकन के पीस हमें फैला देना है। ये हो गई हमारी चिकन की टॉपिंग। अब मैं डालूंगी कुछ, ये मैंने लिए हैं 4 किस्म के सब्जी और थोड़ा सा पनीर। अब मैं इस पर डालूंगी पनीर के पीसेस। के बाद मैं डाल दूंगी कांदा। इस तरह से मैंने इसे पीस में टुकड़े करके अलग अलग कर लिया था। पिज्जा में जितनी टॉपिंग रहती है उतना ही अच्छा लगता है पिज्जा। अब मैं डालूंगी शिमला मिर्ची, ग्रीन शिमला मिर्ची। इसके बाद मैं डालूंगी थोड़ी सी रेड शिमला मिर्ची। कुछ टमाटर, सबको मैंने एक ही शेप में कटिंग किया है। इसके बाद में मैं थोड़ा मिक्स हर्ब डालूंगी। ये मैंने 4 तरीके का ले लिया है, चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो, मिक्स हर्ब्स और पिज्जा मसाला। सबसे पहला मैं डाल दूंगी चिली फ्लेक्स। मिक्स हर्ब ओरिगैनो से आखिर में पिज्जा मसाला। इसके बाद मैं वापस से इस पे चीज डालूंगी।
इस तरह से हमें अच्छे से ऊपर से भी सब तरफ से डाल देना है। इसके बाद मैं थोड़ा सा हर्ब्स और डालूंगी, थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा पिज्जा मसाला, थोड़ा सा ओरिगानो, थोड़ा सा मिक्स हर्ब। ये हमारी टॉपिंग रेडी हो गई है। अब मैं इसे अवन में बेक करने के लिए रख दूंगी 200-250 डिग्री सेल्सियस पर और 20 से 25 मिनट के लिए। चलिए बेक करते हैं। ये मैंने पिज्ज़ा को डाल दिया 200-250 डिग्री सेल्सियस पे और ऊपर नीचे का दोनों रोड चालू रखना है हमें, और 20 से 25 मिनट पे सेट कर देना है पिज्ज़ा। और ऊपर नीचे का दोनों रोड चालू रखने से नीचे ऊपर हमारा एक बराबर पिज्ज़ा पकेगा। चलिए 20 से 25 मिनट के बाद मिलते हैं। मेरा पिज्ज़ा रेडी हो गया। आइए मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। 20 मिल्ला ये देखिए हमारा पिज्ज़ा रेडी, मोज़रेला चीज़ पिज्ज़ा। ये देखिए, अब आपको मेरी ये पिज्ज़ा की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी ये पिज्ज़ा, मेरा ये पिज्ज़ा पसंद आया तो मेरे भी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। और ये पिज्ज़ा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको मेरे तरीके से बनाया हुआ पिज्ज़ा, मोज़रेला चीज़ पिज्ज़ा कैसा लगा। चलिए इसीलिए दुआओं में याद रखिए। और इसी के साथ मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।